इनकरेक्ट था। वाओ ब्यूटीफुल टेस्टी ब्यूटीफुल लोग कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह आज भी बहुत अच्छे चावल बनाए आपने। कि पहले जो है प्याज ब्राउन करते हैं और उसके बाद जो है हरी मिर्च डालते हैं। तो बहन भाइयों और ये दो अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भैया कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जान रहे हैं, खुश रहे हैं, आबाद रहे हैं, खुश रहते हैं, फूलों खुश रहे हैं। तो जैसा कि मैं बताया था पिछली वीडियो में कि हम बना रहे हैं मटर पुलाव, तो उस वीडियो में तो हमने नहीं दिखाया, तो अभी दिखा रहे हैं। हमारा दूसरा व्लॉग जो है शुरू हो चुका है। अभी प्याज जो है मैंने डाल दिया है, प्याज ब्राउन होंगे और उसके बाद जो है जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद जो है हरी मिर्च डालूँगी। जब तक मैं ये अदरक ग्राइंड कर लो, अब इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, क्योंकि मैंने पहले हरी मिर्च और प्याज हैं एक साथ ब्राउन करती थी और उसके बाद एक साथ ही मसाला सब डाल देती थी। तो बहन भाई ने कहा कि पहले जो है प्याज ब्राउन करते हैं और उसके बाद जो है हरी मिर्च डालते हैं। तो बहन भाइयों मैं आपकी बात पर कायम हूँ, अब जैसा भी बताएंगे मैं वैसा करूँगी, क्योंकि पहले तो मैं कुछ भी नहीं बनाती थी। मुझे सब ने सिखाया कि आप बहन भाई भी मुझे सिखा देंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी मुझे बताया है। तभी इसमें हरी मिर्च डाल दूँ। अब हमारे साथ में हमसाए हैं ना, वहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया। वो दूर के हमसाए ये तो नहीं है। हाँ दूर के हमसाए के साथ झगड़ा हो गया, अल्लाह खैर करे सब ठीक हो जाए। तो उनके मसले हैं, हमारा क्या है। हम किसी के मामले में दखल अंदाजी क्यों करें। बिल्कुल हमारा कोई हक नहीं है किसी के मामले में दखल अंदाज करें। फिर यही कहेंगे कि ये भी साथ थे, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इसलिए हम दूर रहते हैं ये झगड़ों के लिए। लड़ाई झगड़े हमें पसंद नहीं है। बिल्कुल जैसे हम अपने घर में प्यार इखलाक के साथ रहते हैं ना, कसम से मुझे बहुत यही पसंद है। एक साथ खाएं, एक साथ पिएं, एक साथ हंसें मजाक करें, कोई भी हमारे घर में झगड़ा ना हो, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं ये बताती चलूँ कि इसमें ना सूखा लहसुन जो था ना वो नहीं था, तो इसलिए मैंने ये दूसरा लहसुन जो है ग्राइंड करके डाला है। वो बच्चे ना लेने भूल गए हैं, अदरक लेके आए हैं लेकिन लहसुन भूल गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ये दूसरा डाल दूँ, इसलिए दूसरे को ना मैं ग्राइंड करके डाला हूँ। बात क्या
मेरा बहुत चमचा बुझन की मैं चले अभी जो इसमें टमाटर और धनिया ये भी मैंने डाल दिया था और अभी इसमें डाल रही हूँ नमक। अब मेरा नमक भी डाल चुका है। इस्तियाना इस्तियाना पुत्र पप्पा बना रहे हैं। जब भी बोलते हैं इस्तियाना पुत्र फिर कहते हैं पप्पा बना रहे हैं। समय आज क्या बना रहे हैं? वो हंसती है बस बोलती नहीं है। अब इस्तियाना को देखें वहाँ पर लकड़ी डाल रही है, कहती है कि रोटी बनाएंगे। शायद पुत्र रोटी नहीं बनेगी, पप्पा खाएंगे। पापा खाओगी? पापा खाएगी। इस्तियाना पुत्र पापा खाएगी और ज़किया पुत्र भी पापा खाएगी। अब हंसती देखो। क्या बोला? मैंने तो यही बोला कि ज़किया पुत्र भी पापा खाएगी। फिर हंसते क्या कितना क्या? चलो बुलाओ मम्मा, मम्मा बाबा, मम्मा मम्मा बाबा, मम्मा इधर इधर देखो, इधर देखो। चलो आप बोलो मम्मा, मम्मा 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 मामा ना मम्मा, मम्मा बाबा, मम्मा बाबा, मामा मामा। अभी इसमें मटर भी डाल दिया है। मसाले की भुनाई हो चुकी थी, अब मटर भी डाल दिया था। ऐसा करना इसको ज्यादा ना गालना। हाँ जी। नरम हो जाते हैं बिल्कुल, फिर वो चावलों में मिक्स हो जाते हैं। हाँ। बस थोड़ी सी बनाई करके फिर पानी डाल देंगे। इनको थोड़े से कुराड़े रखना। हाँ जी। तो चावलों वाले पानी में भी गाल जाते हैं। हाँ।
चावलों वाला पानी भी होगा और इसकी थोड़ी किसी बुनाई भी करूंगी ना तो फिर डाल जाएंगे। अब इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी भी हमारा डाल चुका है। अभी जब ये उबलेगा तो इसमें डालूंगी चावल, फिर जो है बन जाएंगे, फिर खाएंगे, मौज करेंगे। आज पहली बार बना रही हूँ मटर पुलाव। वैसे बनाया तो था पहले, लेकिन आज देखते हैं मटर पुलाव कैसे बनता है। बिल्कुल ज़बरदस्त बनेगा। डन भैया दुआ करना है कि अच्छे से अच्छा बना लूँ, फिर ऐसा ना हो भत्ता ना बन जाए। जब भत्ता बन जाएगा तो फिर कौन खाएगा। वैसे तो इस्तियाना कहती है पप्पा बना रहे, फिर इस्तियाना की तरह पप्पा बन जाएगा। है ना इस्तियाना, पप्पा बन जाएगा। वैसे तो अम्मी अबू बनाते थे, फिर हम तो मौज करके खाते थे, चार पे के ऊपर बैठ जाते थे। अम्मी चावल ले आओ, हम खाते हैं। अम्मी पानी ले आओ। अब पता चलता है कि घर के काम कैसे संभालते हैं। अम्मी कहती थी कि हम थक गए, खुद उठा के खा लो। हम कहते नहीं, आप उठा कर दोगी। अभी तो इस्तिहाना कहती है ना इस्तिहाना, आप कहती हो? अक्की को बुलाओ, कैसे बुलाती हो? पप्पा है, पप्पा है, पप्पा है, पप्पा है। आते पप्पा। चलो फिर बुलाओ। अब कहाँ गौर करके बैठ गई हो? आने अकबू। बाबा बुलाओ। बाबा 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 जोर से बुलाओ। जोर जोर दसा। चलो मुनीब को बुलाओ। चलो भैया को बुलाओ। भैया किधर गए? उधर भाग गए। चीजें लेने गए? आपके लिए भी ले आएंगे। कितनी चीजें ले आएंगे? इतनी ले आएंगे। चलो इस दिन आप ऐसा करो, समिया को गला पकड़ो, भोंको ले जाओगी। क्यों तोड़ रही हो लकड़ी? इसको ना तोड़ो, अब इसको भी तोड़ देगी। रोटी बना रही है। अभी इसमें चावल डाल रही हूँ, पानी उबल रहा है।
ढल गए माशाल्लाह। हाँ जी ढल गए। शाम भी काफी। हाँ शाम भी हो गई है, कोई बात नहीं, बना लेंगे खा लेंगे। शाम भी खूब है, पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। अब जो है मगरब के अजाने होने वाली है, सूरज बिल्कुल डूब गया है जी। अभी भी आप नए चूल्हे पे बैठे हैं। हाँ। ये आपका किचन बहुत खुला है माशाल्लाह। हाँ, ये खुला है ना किचन, तो फिर ये भी नहीं रहेगा, फिर ये भी यही कहेंगे इसको भी तोड़ो अब जाओ। चलो न्यू किचन तो बन रहा है। हाँ न्यू बन रहा है, उसमें फर्श डालेंगे फिर वो सूखेगा, उसके बाद देखेंगे। अभी कमरे में बनी हुई है, फिर वहाँ पर बना लेंगे। क्या हुआ? मैंने कहा कुछ बता रहे थे शायद, आप तो हंसने लग गए। नहीं आप देख रहे थे तो मैंने कहा देखने दो, आप ऊपर बिल्ली को देखे। वो बैठे रहे, रोज तो देखते हैं। नहीं, वो भाग गए। आप लोग कैसी नजर आ रही है? लोग आप देख रहे हैं, आपको पता? आप नहीं देख रहे, बनाने वाला को पता होता है। मुझे तो बहुत ही टेस्टी नज़र आती है। इंशाल्लाह बहन भाई कहते हैं कि आप रेसिपी जो भी बनाते हैं पूरी दिखाया करें, तो इंशाल्लाह बहन भाई आज मैं पूरी दिखाऊंगी। ये नमक टेस्ट, मुझे भी टेस्टी नज़र आ रही है, मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ ना। आपको टेस्टी लगी? हाँ जी। तो मुझे भी टेस्टी लग रही है, और बाकी घर वालों को भी टेस्टी नजर आएगी इंशाल्लाह। लोक चावल तो होते हैं यमी है, खाने में जबरदस्त। मटर पुलाव शानदार, डिनर हमारा डिनर, रात का खाना। अच्छा अच्छा, डिनर क्या होता है और लंच क्या होता है? ब्रेकफास्ट। वेरी गुड, कुछ सीख गई हो मेरे साथ रह के। मॉर्निंग किसे बोलते हैं? और नाइट शाम को अभी हम बना रहे हैं, और अभी तो हम बना रहे हैं, ये तो मगरिब की अजान होने वाले हैं, जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है वो नाइट होती है। और रात और शाम किसे बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में शाम को क्या बोलते हैं? ये मुझे नहीं पता, अब इसमें दाम लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं ये बताऊँ, इवनिंग किसको कहते हैं? ये भी मुझे नहीं पता। इवनिंग तो शाम होती है। अच्छा बातों को छोड़े, मैं इसको दाम लगा रही हूँ, दाम आने में वक्त है तो। अब मुझे बातों पर लगा रहे नहीं लगा रहा, खुला छोड़ रहा हूँ। ये क्या टेस्टी? बिल्कुल वो टेस्टी भूल गया, वो टेस्ट। हाँ टेस्ट, मैं धनिया भूल गई थी। धनिया ले आया, ले आया, ले आया, ले आया, फौरी ले आया। धनिया काट लिया है, डाले आप डाले, ये ना हो देर हो जाए, अभी भी पानी है इसमें, चलें डाल दे रहा। हाँ
दम लग गया दम अंजे लग गया तो इंशाल्लाह जब दम ओपन करेंगे तो बहन भाई को दिखाएंगे तो इसको ना अभी आग पे रहने दें थोड़ा पानी है उसमें हाँ जी थोड़ी और भी ये जो पड़ी है ये सब रख दो हाँ जी सुबह चाय भी बनती है फिर रोटी भी बनती है चले ओके हाँ जी अम्मी हो गया माशाल्लाह रेडी हाँ जी अब दम ओपन करेंगे हाँ जी बिस्मिल्लाह करें बिस्मिल्लाह अभी जो इसके लॉक चेक करते हैं माशाल्लाह ब्यूटीफुल लॉक है बेगम माशाल्लाह आज भी बहुत अच्छे चावल बनाए हैं आपने अब ये प्लेटों में डालेंगे तो फिर पता चलेगा कैसे टेस्टी होते हैं इस्तेहाना साहब के लिए चौकी सटार बैठ गए चावलों पे और समिया भी मसाला आई हुई है खाना खाने और जकिया भी आई हुई है पानी लेकर रोटी खानी है पुत्र अच्छा जकिया पुत्र भी पप्पा खाएगी है ना हाँ जी और ये पानी भी हमारा आ चुका है अभी जो बिस्मिल्लाह करके प्लेटों में ढा रहे हैं और छुअर हमारे जो हैं वो चक गए हुए हैं थोड़े काम से तो हमारी फैमिली जो अब वो मेरे ख्याल में चावल नहीं खाएंगे क्योंकि पहले भी उनकी तबीयत खराब है उनके लिए नहीं है उसके लिए वो चावल वैसे भी वो घट खाते फिर आज तो खाएंगे नहीं हाँ तो फिर क्या सोचा उनके लिए क्या सोचे कुछ खाएगा तो रोटी बना लेंगे पूछ लेना आप अगर रोटी खानी है उन्हें तो मुझे तो नहीं लगता कुछ खाए कोई और बात बोले तो वो मीठा वाला चावल रखे हैं वो मीठा बना देना नहीं चावल चावल कोई भी खाना अगर भूख होगी तो रोटी बना देंगे सारा दोपहर वाला कोई रखा था नहीं तो लगते मुश्किल है खाने वाला नहीं है तबीयत ज़्यादा ख़राब है नहीं मरीज बंदा रोटी कैसे खाए बस दूध गर्म कर लेते हैं चाह बस चाय पे गुजारा मुझे अच्छा नहीं लग रहा मरीज जो है हल्के फुल्के चीज खाता है चलो पूछ लेते हैं जो चीज खाएगा उसको बता देंगे हाँ जी मैं वैसे ये कर रही तो जब तेज बुखार होता है ना कुछ भी नहीं खाता मुझे पता है मैं उसके साथ जिंदगी गुजार रही हूँ ना क्या पता चलो सही है आपका आइडिया हर किसी का एक बुखार था ही होगा अगर मेरे को बुखार आया था भाई अब तो रोटी ज्यादा खाते हो पता नहीं क्या मसला होता हम भी नहीं खाते बुखार में कुछ का कोई लोग ऐसे होते खाना पीना छोड़ देते भाई खाना पीना तो ठीक होता है लेकिन चलने फिरने काम करने की फुर्सत नहीं होती ऐसा है हम भी ऐसे मुझे तो चाय बिस्किट भी दे फिर भी मैं नहीं खाता पता है ना आपको चले डाल गए प्लेटों में माशाल्लाह वाओ ब्यूटीफुल टेस्टी मटरों वाला पुलाव जिंदगी में दूसरी बार पहली बार जिंदगी में दूसरी बार है ओ सुमिया भी खुश हो रही है अच्छा खाला ने बोला था सुमिया को करीब से देखना मैंने शक्ल देखनी है हाँ जी माशाल्लाह बहुत प्यारी शक्ल है अब तो करीब से दिखा दिया ना सुमिया आके खोलो आके खोलो हाँ जी सोनी लग रही हो चावल खाने है क्या खाना है समिया भूख लगी है
क्या खाओगी? अच्छा मैंने उस दिन सवाल किए वो जवाब दे रहे थे पूरे। बस वैसे ये उन्हें ज़्यादा देर को आपको बैठे ना फिर मैं बात जो मुँह में आ गया। अभी अभी चेक करते हैं समझा, चावल खाने हैं? वो देखे ना चावल की तरह देखते, चावल खाने हैं? उठा लो चावल खाने हैं, उठा लो समझा, उठा लो उठा लो उठा लो। नहीं वही तो मैंने कहा ना जवाब देती है। नहीं ओ ऐसी आदत है जो चीज खुद दे तो लेती है, उठाती नहीं है, वो हंस रही है फिर खाएगी। चले माशाल्लाह ऐसे बच्चों को वेट नहीं करवाते खाना रख के। इस तरह ना तू खाओगी? क्या खाओगी? ये क्या है? क्या जोर से बोला? पापा और पापा फिर और ज्यादा तंग होती है ना बोलती है नहीं। चलो ठीक है जी हम खाना स्टार्ट करते हैं फिर माशाल्लाह।